प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर दौसा में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना केंद्र के सामने एक जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा उपस्थित रहे। इसके अलावा अनेकों जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अनेकों योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत पट्टों का वितरण किया गया। मंत्री परसादी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो काम किया है आज तक वो कभी नहीं हुआ, न ही किसी और मुख्यमंत्री ने ऐसा करके दिखाया है। जैसे जिले में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है और उसमें पेयजल, जिले में पेयजल की विकट समस्या को दृष्टि रखते हुए कुल 1079 गांव में 747 गांवों को ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु 4058.12 करोड़ एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 332 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 454.75 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई। सबसे बड़ा काम तो ये पूरे अब तक हमने 1,33,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर लिया। उनको बीमार होने पर 5,00,000 तक का निःशुल्क इलाज देंगे हर परिवार को, और अब तक हमें 6,00,000 परिवारों को लाभ दे चुके। और जो भी आएगा, हम कहते हैं सबको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इतनी बड़ी योजना देश में कहीं भी नहीं है राजस्थान के अलावा सर, इसलिए बहुत बड़ा एक है गरीब आदमी को, साधनहीन आदमी को, जो आवासहीन आदमियों को, जो गरीब लोग हैं, या सबके लिए किया हमने। जो इनकम टैक्स देते हैं उनका आधा पैसा वो खुद जमा कराए 850, आधा सरकार देगी, उनका भी कर रहे हैं। एक भी राजस्थान के परिवार को हमने छोड़ा नहीं है, सबको इससे जोड़ा है। हम चाहते हैं सबका इलाज हो।